नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कांग्रेस पार्टी में मची अंतकलह कम होती नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप को लेकर छिड़े विवाद पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी बात रख रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुखर कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल लग रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चिट्ठी पर मची घमासान के बाद से ही सिब्बल लगातार ट्वीट कर अपनी बात रख रहे हैं। बुधवार को कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सिद्धांत, विपक्ष और समर्थन की बात कही। अपने ट्वीट में सिब्बल ने लिखा, सिद्धांतों के लिए लड़ते समय जीवन में, राजनीति में, अदालत में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्ष तो मिल ही जाता है, समर्थन का इंतजाम करना पड़ता है। तो इससे पहले सिब्बल ने 25 अगस्त को भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, ये किसी पद के बारे में नहीं, ये मेरे देश के बारे में जो सबसे अहम है। गौरतलब है कि सोमवार यानी कि 24 अगस्त को पार्टी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा आलाकमान को लिखी गई चिट्ठी को लेकर खूब बवाल मचा था। इस चिट्ठी पर कपिल सिब्बल का भी सिग्नेचर था और बैठक में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि राहुल गांधी ने कथित रूप से इन नेताओं पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाया है, जिसे लेकर सिब्बल ने तुरंत ट्वीट कर दिया था। सिब्बल ने ट्वीट कर उस वक्त लिखा था, कहा जा रहा है कि हम बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए सफल हुआ। मणिपुर में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए पार्टी का पक्ष रखा। पिछले 30 सालों में बीजेपी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि हम बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। तो इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही सिब्बल ने दूसरा ट्वीट किया और अपने पहले ट्वीट को वापस लेने की बात कही। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, राहुल गांधी से निजी तौर पर बात हुई और उन्होंने बताया कि मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं कही है, जिसके बाद मैं अपने ट्वीट वापस ले रहा हूँ। कपिल सिब्बल के ट्वीट से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है और वरिष्ठ नेता अभी भी नाराज चल रहे हैं।